नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं सरिता कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ है राजेश कुमारी जी, जो कि बहुजन समाज की बहुत बड़ी शुभचिंतक हैं और बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि कहते हैं कांशीराम जी ने हमेशा बाबा साहब को फॉलो किया और हमेशा उन्हीं का मार्ग चुना, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो जय भीम नमो बुद्धाय। साहब कांशीराम ने बाबा साहब को 100% नहीं 1000% फॉलो किया, क्योंकि साहब कांशीराम ने इस सोए हुए समाज को वो जागृति लाने का काम किया जो मैं नहीं समझती कि अभी तक उनके बाद कोई कर पाया है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 के अंदर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई थी, जिसमें एससी एसटी के लोग ही शामिल होते थे, लेकिन 1927 से ही बाबा साहब ने काम करना शुरू कर दिया था। महाड़ के तालाब में पानी पीने के लिए संघर्ष किया। 1930 में बाबा साहब ने मंदिर, ये कालाराम मंदिर में जो है मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया। तो ऐसे बाबा साहब ने बहुत सारे आंदोलन किए समाज को एक करने के लिए, समाज को इकट्ठा करने के लिए, समाज को जागृत करने के लिए। लेकिन 1942 में उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई थी और उस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को उन्होंने 1950 में जो है 1950 तक चलाया और 1950 में उन्होंने एससी एसटी को एक कर दिया था। 1952 में बाबा साहब ने एससी प्लस एसटी प्लस ओबीसी को एक कर दिया था और 1954 के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एससी प्लस एसटी प्लस ओबीसी प्लस माइनॉरिटी को एक कर दिया था। और उसी के सिद्धांत पर चलते हुए साहब कांशीराम ने भी 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई, क्योंकि 1984 से पहले बाबा साहब कांशीराम ने 13 साल संगठन को एक संगठन बनाने के लिए काम किया, जिसमें उन्होंने बामसेफ के नाम से जाना जाता है। उस बामसेफ में उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को, नौकरी पेशा लोगों को शामिल किया। और उसके बाद साहब ने जो है एक पार्टी बनाई जो है अपना, ये इसे एक बामसेफ बनाई थी और एक पार्टी और बनाई थी DS4। तो ये दोनों पार्टियां बाबा साहब ने बनाई थी 6 दिसंबर के दिन बनाई थी। तो 6 दिसंबर को बनाने का बाबा साहब का जो वो था, साहब का जो वो था, ये था कि 6 दिसंबर में बाबा साहब की मृत्यु हुई थी, बाबा साहब इस दुनिया से गए थे, तो वो बाबा साहब को श्रद्धांजलि देना चाहते थे। लेकिन जो 1984 में जो बहुजन समाज पार्टी बनाई, तो वो उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बनाई बाबा साहब के जन्मदिन पर। तो इससे वो बाबा साहब को पुष्पांजलि देना चाहते थे उनके जन्मदिन पर। तो उसी की तर्ज पर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तर्ज पर ही साहब कांशीराम ने समाज के अंदर, जैसे उन्होंने 1950 में एससी एसटी को एक किया, 1952 में एससी प्लस एसटी प्लस माइनॉरिटी को किया और ओबीसी को किया, और 1954 में उन्होंने एससी प्लस एसटी प्लस ओबीसी प्लस माइनॉरिटी को एक किया। तो बाबा साहब ने 50, 52, 54 ऐसे ही साहब ने भी बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद 1989 के अंदर 6 सम्मेलन किए। वो 6 सम्मेलन साहब कांशीराम ने बाबा साहब के ही फॉलो करते हुए, बाबा साहब को ही अनुसरण करते हुए किए। पहला सम्मेलन उन्होंने, सबसे पहला सम्मेलन दलित समाज के लिए किया, वो दिल्ली में किया, जाटव समाज के लिए, और कहा, ऐ जाटव समाज के लोगों, इधर उधर भटकना बंद कर दो, तुम्हारा जो हित है वो बहुजन समाज पार्टी में है, इसके अलावा तुम्हारा हित कहीं भी नहीं है, और आप जितनी जल्दी हो सके अपने घर में वापस आ जाओ। और उन्होंने, साहब कांशीराम ने दूसरा सम्मेलन मुस्लिम समाज के लिए किया। ये सम्मेलन उन्होंने मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में किया और वहाँ पर मुरादाबाद में भी उन्होंने कहा, ऐ मुस्लिम समाज के लोगों, तुम भी अपने घर वापस आ जाओ, अपने घर वापसी कर जाओ, क्योंकि तुम्हारा हित कहीं नहीं है।
दूसरे के घरों घरों में तुम्हें मान सम्मान इज्जत नहीं मिलेगी। तुम्हारा अगर हित है, तुम्हारे अगर भलाई कहीं है तो वो बहुजन समाज पार्टी में है, और जल्दी जितना जल्दी हो सके बहुजन समाज पार्टी में आप आ जाओ। और उन्होंने तीसरा जो सम्मेलन ओबीसी समाज के लिए किया, और उन्होंने ये सम्मेलन जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में किया, और वहाँ कानपुर में उन्होंने बोला, ए ओबीसी के लोगों, अगर तुम्हारा हित भी कहीं है तो वो बहुजन समाज पार्टी में है, क्योंकि तुम भी हमारे ही बहन भाई हो, और जितनी जल्दी हो सके इस बहुजन समाज पार्टी में आ जाओ और देश में अपनी सरकार बना लो, तभी आप और हम आगे आ सकते हैं। इसलिए अपने अपने घर में वापसी कर जाओ, बहुजन समाज पार्टी के अलावा तुम्हारा हित कहीं नहीं है। तो ये तीसरा सम्मेलन साहब काशीराम ने कानपुर में किया था। चौथा सम्मेलन उन्होंने सिख समाज के लिए किया था, ये सम्मेलन उन्होंने लुधियाना पंजाब में किया था सिख समाज के लिए, और सिख समाज के लोगों को भी कहा था, ए रविदासियो, ए सिख समाज के लोगों, तुम्हारा हित कहीं है तो वो बहुजन समाज पार्टी में है और कहीं नहीं है। आपने ये सब चीज़ें बहुत लंबे समय से देख रहे हो। तो साहब ने वहाँ पे भी सिख समाज के लोगों को समझाने का काम किया। उससे आगे उन्होंने जो एसटी समाज के लिए जो एक सम्मेलन किया, वो किया छत्तीसगढ़ में किया, जो एसटी समाज को समझाने के लिए, और उनसे भी कहा, एसटी समाज के लोगों, अगर तुम्हारा हित कहीं है तो वो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी में है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप अपने घर में आ जाओ, बहुजन समाज पार्टी में आ जाओ और अपने अपने घर को मजबूत करो। और उन्होंने आखिरी सम्मेलन किया क्रिश्चियन समाज के लिए, एक और ये सम्मेलन उन्होंने किया बेंगलोर में। ये सारे के सारे छः के छः सम्मेलन उन्होंने 1989 में ही किए, और उन्होंने छठा सम्मेलन किया क्रिश्चियन समाज के लिए, और क्रिश्चियन लोगों से कहा, ए क्रिश्चियन समाज के लोगों, तुम्हारा हित अगर कहीं है तो वो बहुजन समाज पार्टी के अंदर है और कहीं नहीं है, तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके बहुजन समाज पार्टी में आ जाओ और कहीं नहीं तुम्हारा हित है, अपने घर में रहो, यही वो है। तो साहब काशीराम ने जो ये छः सम्मेलन किए थे देश के अंदर घूम घूम करके, अपने जाति के आधार पर तोड़े हुए लोगों को एक करने के लिए किए थे, और अपने बहुजन लोगों को ये समझाने का काम किया था कि अगर बहुजन समाज के लोगों की कहीं भलाई है, कहीं उनका उनकी तरक्की है, कहीं उनका अपना अपना घर है, अपनी पार्टी है, तो वो बहुजन समाज पार्टी है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके बहुजन समाज पार्टी में आ जाओ, बहुजन समाज पार्टी के अलावा तुम्हारा और कहीं कोई भला होने वाला नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करते हुए साहब काशीराम ने ये जो समाज को जो कुछ दिया वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो करते हुए ही दिया, और हमारे जो जो साहब काशीराम हैं उन्होंने समाज को जो है सत्ता तक पहुंचा दिया था, और ये सब पॉसिबल तभी हुआ जब उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को फॉलो किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी राजेश कुमारी जी का, जिन्होंने हमें बताया कि काशीराम जी हमेशा से बाबा साहब अम्बेडकर के मार्ग पर चले और बहुजन समाज को किस प्रकार से उन्होंने इकट्ठा किया। जी धन्यवाद मैम आपका। जय भी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।